आपको पता ही होगा कि आज होने वाली यूपी टीईटी की परीक्षा रद्द की जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पेपर लीक हुआ था, एसटीएफ ने कार्रवाई की। लेकिन अब इसमें कई सारे सवाल हैं कि आखिर ये पेपर कब होगा, क्या अब ये भर्ती पूरी तरह से फंस चुकी है, चुनाव से पहले होने के इसके चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। इसी तरह के अपडेट के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे भले ही टीईटी का पेपर रद्द हो गया है, लेकिन सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसमें इसको लीक कराने के पीछे मेन हाथ किसका है। यहाँ पे अगर शक की सुई देखा जाए तो उस एजेंसी के ऊपर भी है जो ये परीक्षा करा रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे ये पेपर पहुँचा ही नहीं था, उससे पहले ही यह पेपर वायरल हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि रात को ही यह पेपर व्हाट्सएप पे दौड़ने लगा था। जब सुबह में अधिकारियों को पता चला तो एसटीएफ इसमें सक्रिय हुई, और उसने जब छापेमारी की, जब लोग गिरफ्तार किए जाने लगे, तो उनके हाथ में जो पेपर मिला वो मेन पेपर से मिल रहा था। यहाँ तक आप कहिए कि दोनों शिफ्ट में जो पेपर होने वाले थे दोनों वायरल हो गए थे। इसको देखते हुए सरकार ने प्राथमिक तौर पे इस भर्ती को रद्द कर दिया है और कई सारी अपडेट भी दिया है। कुल मिलाकर जो कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो, और हम लोग इसमें हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं विशेषकर एसटीएफ कामयाब रही है, और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पे कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया, और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो सुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी डिसाइड किया गया है कि आज जो भी बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौटने के लिए उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी के बसेस में एडमिट कार्ड से ही फ्री जाने की अनुमति दी गई है, उनको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी, और इसमें जो भी व्यक्ति जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि जो प्रश्न पत्र हैं जिसपे परीक्षाएं होनी थी अभी तक वो केंद्रों तक नहीं गई थी, उसको आज सुबह जाना था, तो अभी तक की चेन से जहां तक
जिस संस्था ने ये परीक्षा जिसको आयोजित करना था उससे लेकर और ट्रेजरी तक जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो चीजें बरामद की गई हैं उसमें कुछ मोबाइल फोन हैं और पेपर के फोटोकॉपी हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं। और इसमें दो तरह से चीजें की जाती हैं, या तो सॉल्वर गैंग के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है या किसी अन्य सॉल्वर को बिठा के ये परीक्षाएं दी जाती है। तो जो कठिनाइयां बच्चों को हुई है उसके मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परीक्षाओं को बहुत ही पारदर्शी स्वच्छतापूर्ण तथा पवित्र तरीके से कराए जाने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। अब इसमें जो भी आदमी पकड़े गए हैं इसके अतिरिक्त अन्य भी लोगों की गिरफ्तारी हम करेंगे, जो 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुल मिलाकर बात केवल इतनी है कि यहाँ पे परीक्षा रद्द हुई है, तो अब सभी को वापस लौटने के लिए यूपी की जो सरकारी बसें हैं उनकी व्यवस्था की गई है। परीक्षा अगले एक महीने के अंदर हो सकती है और यहाँ पे किसी को ना तो कोई आवेदन करने की ज़रूरत है और ना ही कोई फीस देना होगा। परीक्षा इसी तरह से होगी और चांसेस यही है कि फिर से 75 के 75 जिलों में ये परीक्षा कराई जाएगी। फिलहाल अब यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी पकड़े गए हैं उन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और अगर एजेंसी का भी इसमें कोई रोल मिलता है तो उसे भी ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।